अब हम जनाब अंधेरा हो गया बिल्कुल, अब आपको सिर्फ ये पहाड़ों पे जलती हुई लाइटें ही दिखा सकते हैं, पहाड़ तो नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल जनाब, अब फिर हम जा रहे हैं कैरन की तरफ। अब हम जनाब अंधेरा हो गया बिल्कुल, अब आपको सिर्फ ये पहाड़ों पे जलती हुई लाइटें ही दिखा सकते हैं, पहाड़ तो नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल जनाब, अब फिर हम जा रहे हैं कैरन की तरफ। यार ये यहाँ से शायद मुझे, अस्सलाम वालेकुम, ग्लव्स हैं आपके पास? कौन से? ये वाले नहीं चाहिए, ऐसे वो जो होते हैं ना लेदर स्टाइल, वो चाहिए। दीजिएगा, यहाँ से देखेंगे। ग्लव्स भाई कह रहे हैं दिखाए हैं, इसके ऊपर ही पहन के देख लेते हैं, लग रहे ऊपर ही आ जाए, टाइट ना हो। है वैसे टाइट ही। जी यहाँ से मुझे ब्लॉक भी मिल गए हैं और इससे ब्लॉक भी मिल गए नंबर में। ये जाते हैं अब ये कैसे भी जाइए, दूसरा वाला हो गया, ठंड नहीं लगी वरना इतनी ठंड भी मेरा हो गया। लाइटों के अलावा आपको दिखा दे सकते कुछ, लेकिन इसे करना भी गर्मी की तरफ जा रहे हैं। पहले किया गया और वापस आ गए अभी, वहाँ से वापसी के लिए निकल आए। लेकिन अगर चरण से हम अभी वापस आते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माइकर मिल जाए तो मेरा दिल करता कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँ। अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे थे, आई एम सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। ओहो, मैं जब भी कोई बाइकर देखता हूँ मैं कहता हूँ यार लाजमी मिले। कहाँ से? मैं लाहौर। हाँ हाँ हाँ, मुबारक हो लाहौर। लाहौर मैं, यार टाउनशिप से। आप कहाँ से? किस जगह से? टाउनशिप से। टाउनशिप किस जगह? टाउन पंद्रह ब्लॉक। आप कहाँ से हैं? ए टू से। मैं पंद्रह ब्लॉक से। कौन से वाले? पंद्रह ब्लॉक से। ठीक। अच्छा, फिफ्टीन ब्लॉक। जा किधर है? इस वक्त जाए कैरन और सुबह कैरन से वापसी। वापसी तो लगा की तरफ निकल चुके हैं। हमें लाहौर से साइकिल मिल गए और मेरे की बात यह है कि मैं भी टाउनशिप से और वो भी टाउनशिप से। कहते ना कि मेरे को जी हाँ बिल्कुल टाउनशिप से हैं, ए टू से और मैं जो हूँ टिफिन जो पंद्रह ब्लॉक से। दोनों की रिहाइश भी करीब करीब और शहर भी है। और वहाँ से अगर निकला जाए यहाँ पे देखते हैं, अगर मुझे लगा है कि जैसा मोबाइल से आता है और मैं सोच रहा हूँ एप्पल की केबल ले लें, क्योंकि एप्पल की केबल में मेरी गिर गई है। नहीं उनके पास ही होगी। चलो आगे चलते हैं। इशारा कश्मीर है जी, इस पार भी और इस पार दोनों तरफ यहाँ जो आजाद कश्मीर का। अब कैरन यहाँ जो मेन अच्छी एल ए सी लाइव चल रही जो है किसी अभी तक आ रहे हैं। सुबह वहाँ पे इसी के मैंने प्रोग्राम बनाया कि रात बात सोच लिया कि सुबह वहाँ पे कवेज की है। आप देखते चलिए वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे रियलिटी है, उनसे भी बात करें कि उनको किसी के मतलब रियलिटी कुछ यहाँ पे है, कुछ सिलाई में चल रही है, किसी जगह पे है। उनसे भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई खुशी बनी होती है तो वो कैसे किसी को मिलते हैं, कैसे जाते हैं, क्या उन्हें जाँच नहीं करती है।
اس پار جانے کے لیے کسی گلی میں شروع ہونے کے لیے جہاں سے وہ جا سکتے ہیں یا انہیں دوسرے بارڈر یوز کرنے پڑتے ہیں، جس طرح تازہ بارڈر ہے یا کشمیر سائڈ اپنا تلنگانہ والی سائڈ سے جو کشمیر سائڈ سے آتے ہیں، جو اس سائڈ سے جاتے ہیں، کس سائڈ سے آتے ہیں، یہ ہم ساری چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب جب فیصلہ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا، وہ سال کتنا ہو گیا تو گزارا کرے گا، یعنی کہ وہ تینوں بیٹری سے بھی چارج ہو گئی ہے، تو وہ کبھی ختم ہو گئی تھی تو دوسری یوز ہو جائے گی، تو جاتے ضرورت کا ہے لیکن اندھیرے کی ہے۔ جناب یہ لگتا ہے اس طرح باہر سیکھنا چل رہا ہے بتائی سکتے ہیں، یہاں اصل میں بڑی ساری چیزیں اصل بڑی مزیدار ہے، اس لیے ٹینشن کوئی نہیں ڈرائیو میں، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے بائک، یہاں پہ بند ہوگا چھوڑ کے 70 پہ بھی آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، میرے بھی ضرورت ہے کرے اور جاب لے کر